प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरी यादें, जिसके प्रायोजक हैं संजय भाई पटेल, पंचशील पेट्रोल पंप वाले सागर। समय के साथ बढ़ाइए अपनी रफ्तार, यही है पंचशील पेट्रोल पंप का पैगाम। आपकी सफल व सुरक्षित यात्रा की कामना करता मैसर्स पंचशील ट्रेडर्स, एक ऐसा सर्विस स्टेशन जहां आप पाएंगे व्हील एलिमेंट, व्हील बैलेंसिंग, रिम स्ट्रेटनर और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की सुविधाएं। पूरे क्षेत्र में मशहूर पंचशील ट्रेडर्स, स्टेशन रोड सागर। सुनहरी यादें। दोस्तों, प्रस्तुत कार्यक्रम वैसे तो है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, लेकिन उन गीतों का कार्यक्रम जो आपके दिल में बसे हैं, आपके दिल में कहीं छिपे हैं। हमारा प्रयास रहेगा उन गीतों को आपके दिल से बाहर निकालना, आपकी यादों को जगाना। कार्यक्रम केंद्रित होगा किसी एक कलाकार पर, उनके गीतों की लड़ियां हम एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर केंद्रित है, इसलिए पहला अंक हम संजो लाए हैं हमारे नगर के एक प्रसिद्ध गीतकार विट्ठल भाई पटेल पर। विट्ठल भाई पटेल, जो प्रसिद्ध गीतकार स्वर्गीय शैलेंद्र के प्रशंसक रहे, शुरू से गीतकार बनने से काफी पहले वे शैलेंद्र जी को खत लिखा करते थे। ये खतो किताबत का सिलसिला बरसों यूं ही चलता रहा। जब एक दिन विट्ठल भाई जी की भेंट शैलेंद्र जी से हुई, तब विट्ठल भाई ने कहा, क्या कहा आप खुद ही सुन लें। शैलेंद्र जी को मैं पत्र लिखा करता हूँ, जब बहुत से पत्र लिख दिए, तब एक बार बम्बई गया, मैंने खबर भेजी के शैलेंद्र जी को कि विट्ठल भाई आए, थोड़े में ट्रेन पर शैलेंद्र जी आए। बोले अरे तुम हो विट्ठल भाई, मतलब समझ था कोई बूढ़ा आया होगा, तुम तो बच्चे हो यार, बहुत अच्छे प्यारे खत लिखते हो, गीत लेते हो थे। ये सब भगवान की मेहरबानी। अब कभी समय शैलेंद्र जी को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड और गुरु मानने लगा। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ये थी एक गीतकार से दूसरे गीतकार की पहली भेंट। वक्त गुजरा, सन 1965 आया, जब शैलेंद्र जी अपनी फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग के सिलसिले में सागर जिला आए, तब विट्ठल भाई जी की भेंट उस फिल्म के अभिनेता राज कपूर जी से हुई। मुलाकातें होती रहीं, शैलेंद्र जी का स्वर्गवास 14 दिसंबर को हुआ, वो तिथि थी राज कपूर जी के जन्मदिन की। विट्ठल भाई पटेल ने कुछ पंक्तियां उस समय राज कपूर जी के सामने पढ़ी थी। सजन क्यों झूठ ना बोले, कसम क्यों तीसरी खाई, मुबारक दिन रुलाने को उम्र की पाट दी खाई। राज कपूर ने वे पंक्तियां अपने पास रख ली। फिल्म बॉबी की तैयारी करते हुए राज कपूर ने विट्ठल भाई जी को मुंबई बुला भेजा। विट्ठल भाई से कहा कि मुझे एक गीत चाहिए इस फिल्म के लिए। विट्ठल भाई जी ने गीत की पंक्तियां लिखी, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, ये लाइन तो ओके हो गई, लेकिन मुखड़ा नहीं मिल पा रहा था। एक दिन आर के स्टूडियो में अभिनेत्री सिमी का फोन आया। राज कपूर जी ने किसी बात पर सिमी से कहा कि तुम झूठ मत बोलना, वरना काला कौवा काट लेगा। उसी वक्त तुरंत विट्ठल भाई जी को गीत का मुखड़ा मिल गया। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। राज कपूर जी ये लाइन सुनकर उछल पड़े और तुरंत गीत की रचना हो गई। झूठ बोले कौवा काटे,
चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। राज कपूर जी की फिल्म बॉबी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उस फिल्म से न सिर्फ ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, बल्कि शैलेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल रातों रात प्रसिद्ध हो गए। राज कपूर की टीम में इसी फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी जुड़ गए। विट्ठल भाई पटेल ने उसके बाद तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, अनेकों फिल्मों में गीत लिखे। मनोज कुमार जी ने विट्ठल भाई से प्रभावित होकर शोर और रोटी कपड़ा और मकान के गीतों की रचना के लिए उनसे संपर्क किया। किन्हीं वजूहात से उनके गीत उन फिल्मों में शामिल नहीं हो सके, लेकिन मनोज कुमार हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म सन्यासी, यहाँ एक किस्सा सुनाते चलें। विट्ठल भाई पटेल जी और उनके परिवार का संगीत से प्रेम तो किसी से छुपा ही नहीं। एक बार विट्ठल भाई जी अपने बेटे संजय भाई पटेल जी के साथ मंदिर गए। मंदिर में विट्ठल भाई जी ने कहा, ये शंकर हैं। बालक संजय भाई पटेल ने कहा, शंकर ये हैं तो जय किशन कहाँ हैं? शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में विट्ठल भाई पटेल जी का ये गीत सुपरहिट हुआ। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, वो गीत था कैसे साधु तेरा सजन बन कैसे झूठा। उसी साल यानी 1975 में एक फिल्म और आई जिसका नाम था दो झूठ। उसके गीतों का सृजन भी विट्ठल भाई पटेल ने किया। चलो भूल जाए जहां को यहां दो घड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। इसके अलावा विट्ठल भाई जी ने 70 के दशक के आखिरी सालों में कई हिट फिल्मों के हिट गीत दिए, जैसे विश्वनाथ,
हत्यारा अपमान जाए तो जाए कहाँ, मजदूर जिंदाबाद, दर्जनों फिल्मों के उन्होंने गीत लिखे जो काफी मशहूर हुए। कौन भूल सकता है धर्मवीर फिल्म का ये गीत। बात को दिल में दबाए रखना, नहीं कह देना, चुप ही रहना, मन हो मुट्ठी तो रात की। विठल भाई जी की रचनाओं में हमारे क्षेत्र की महक स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे फिल्म दुनियादारी के इस गीत में। भाई जी का कहना है कि अपना काम पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, फल ईश्वर जरूर देगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में आपने सुने हमारे जाने पहचाने अपने गीतकार विठल भाई पटेल जी के कुछ गीत और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। लेकिन विठल भाई पटेल जी ने अपने जीवन में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं कि उनको एक प्रोग्राम में शामिल कर पाना तो हमारे बस की बात ही नहीं थी। इसलिए अगला कार्यक्रम भी केंद्रित होगा विठल भाई पटेल जी की बातों और गीतों पर। इंतजार करें अगले सप्ताह का। और श्रोताओं, क्योंकि इस प्रोग्राम